ऑल ऑफ यू स्टार्ट सॉल्विंग 251 क्वेश्चन फास्ट. टू फिफ्टी वन सॉल्व करो फास्ट, 2 मिनट टाइम. Yes, हो गया तो मुझे बताओ आप. नन मिस. आया ना सबको आंसर? एनीबडी वॉन्ट्स मी टू सॉल्व? आ गया मैं. Yes, anybody wants me to solve? आया ना सबको? Yes, ma'am. Now solve 253 solve करो fast. Yes, all of you, if it is done, just tell me. Done, ma'am. Yes, all of you, it's done. Sabko answer aaya. Yes. Yes, ma'am. सबको आया आंसर इसका? अगर किसी को चाहिए मैं सॉल्व करूं मुझे बताओ. है ना सब लोग कि सब लोग ने सिर्फ लॉग इन किया है और डिनर कर रहे हैं? यस मैम. यस मैम. है ना? है ना. नो मिस.
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 253 के बाद 253 के बाद 258 करना है, 258 258 आपके फ्रेंड्स का और रिमूविंग द डिफरेंस मतलब बोलो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन ही पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन. Difference between the heat of reaction at constant pressure and constant volume. So tell me what is the heat transfer at constant pressure. आज सुबह ही हम लोग ने किया है. जरा check करो. Heat at constant pressure is what? Tell me. Yes, tell me fast. UP. QP is equal to delta H? Yes, yes. What is heat at constant pressure? Constant volume? QV. So that is equal to delta U? Yes. So difference bola hai na, heat at constant pressure and heat at constant volume. Barabar na, constant pressure. Yes. So we have done QP is equal to delta H. This is heat at constant pressure and heat at constant volume is delta U. Yes, all of delta you have we done this? Delta NRT. That is equal to delta NRT. So you can calculate now, all of you. So sabse pehle mujhe moles batao, kitne aayenge? Delta N will be what? What will be the delta N? -3. Yes. So यहाँ पे देखो C6H6 is in liquid state and water is in liquid state. So हम लोग सिर्फ gaseous को लेते हैं 12 - 15 that is -3. So ये क्या आएगा -3 × kilojoule में करना है calculate 8.314 × 10⁻²⁻³ × 298. इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ. फटाफट आंसर बताओ. -7.43. Okay. So now all of you, I'll give you markings of the questions which you have to do in homework. Ma'am, हाँ. Ma'am, जो 253 वाला सम था ना, मुझे कुछ और आंसर आया. वो लोग ने जो सॉल्व लाइक पीएमसी में जो सम सॉल्व किया था ना, वो लोग ने उधर कुछ और अलग आंसर लिखा है. So maximum work obtained by isothermal reversible expansion of one mole of ideal gas at 27 degree Celsius from 2.24 to 2.22. Maximum work means tumhara formula kya hoga? -2.303 NRT log of V2 upon V1. -2.303 mole is 1. R will be 2 calorie na? Diya hai na wahan pe? Yes ma'am.
300 and this will be 22.4 divided by log of 10 ma'am. हाँ ये मैं इसको शिफ्ट कर दिया मैंने बियांका पॉइंट तो ये कैंसिल हो गया फिर ये ऊपर आएगा ना तो log 10 हो जाएगा log 10 is 1 so you just have to multiply this ma'am वो मैंने सॉल्व किया बराबर है हाँ 13 समथिंग आएगा ना आंसर 13 में आएगा आंसर 1381.8 माइनस 690.6 दिया था इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गई थी ठीक है सो ऑल ऑफ यू नाउ यू विल डू क्वेश्चंस इन होमवर्क मैंने अभी जस्ट सॉर्ट आउट किए हैं क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन अभी हायर लेवल में जो करवाए और होमवर्क वाले उसमें से ही आएंगे ना हाँ अभी तक मैंने अभी आज थियरी करवाया है ना वो पूरा आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी मैंने एमसीक्यूज भी लिए था तो वो आएगा सो होमवर्क में नोट डाउन करो तुम लोग के पास में मार्वल्स है ना सबके पास में तो डायरेक्टली मार्वल्स में टिक करो क्वेश्चन 388 पेज नंबर पे 254 कौन सा वृद्धि ये वाला दिस इज 253 है ना 253 है इसका 253 अभी होमवर्क नोट डाउन करो चलो फटाफट सब लोग अभी पेज नंबर 389 पे देखो 389 पे 255 256 257 258 259 ओके पेज नंबर 390 पे 281 282 देन 286 से लेके 289 मैम इतना ही है नहीं खत्म किधर हुआ है अभी 291 294 392 पेज नंबर पे 302 एंड 305 मैम आप मार्क करा रहे हो उतना ही आएगा उसमें से आएगा मींस मैं ये जो हायर लेवल के क्वेश्चन थे उसमें मैंने तुम लोग को अभी ये जो क्वेश्चन दिए हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन मींस मेरा पढ़ा के हो गया है ये क्वेश्चन तो तुम लोग को ये होमवर्क में करने हैं उसमें से आएगा ऐसा मैं नहीं बता सकती हूँ मैं बाहर से भी क्वेश्चंस डाल सकती हूँ मैम इतना ही है अरे रुको सिद्धू इतना ही है क्या अभी है बाकी है और पेजेस है मैम ऐसे ऐसे लेने वाला था इसलिए मैं बता दूंगी हो जाएगा तो then 362 to 365 369 370 372 to 374 376
पेज नंबर 398, 399, 401, 403, and 407. मैम अगर पास्कल में प्रेशर दिया होगा तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेना है ना? यस। अभी टेस्ट योर ग्रास में तुम लोग खुद फाइंड करो कितने क्वेश्चंस है, ओके? एंड यू हैव टू सॉल्व टेस्ट योर ग्रास आल्सो। इट्स ओके, डोंट सॉल्व टेस्ट योर ग्रास, ओके? इतना सॉल्विंग कर, ये होमवर्क है तुम लोग का। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम, यस मैम। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, विल स्टॉप हियर। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.